कौन सा समास कहोगे? बताइए कौन सा पद प्रधान? वापस आ जाओ। किसका पहले प्रयोग? उपसर्जन का नियम होता है सूत्र में कौन से व्यक्ति वाला शब्द कहाँ लेके आओगे उसको? जैसे विशेषणम और विशेष श्रेणी में प्रथमा किसमें है? कौन हमेशा आगे जाएगा? जैसे आपकी बात करता हूँ, आगे वाला शब्द स्त्रीलिंग है तो क्या बनाओगे? जैसे वृद्धा दासी में वृद्धा की जगह, कृष्णा बालिका में कृष्णा की जगह, महती आवश्यकता में महती की जगह महत, क्या हो जाएगा? वापस महत हो जाएगा। ऐसे बात करते हैं, मैं जहां जहां महत का समास करूंगा कर्मधारय समास में हमेशा महत की जगह आ, है ना? फाइनली तो आई सुनाई देगा आपको, मह प्लस आ बराबर महा, महापुरुष, महाशय, महोदय, महोदधि, महात्मा, जो भी आपके मन में आ जाए, महर्षि वर्षि, सब इसी में पढ़ेंगे हम। ये आपका समास है। कितने प्रकार से मुख्य समझने के लिए? एक विशेषण और एक उपमान और फिर इसको कितने भागों में बांटूंगा? पहले कौन, नहीं तो पहले कौन, दोनों ही कौन, इसमें पहले कौन और पहले कौन, ये यही सीखेंगे। यहाँ से चलेंगे, यहाँ खत्म कर देंगे।